एक जबरदस्त जलसा हम करेंगे, खौफ हमें किसी का नहीं है। ये गुंडागर्दी हम आप नहीं चलने देंगे कराची में, और इंशाल्लाह जितनी हमारी ताकत है आवाम की ताकत के साथ हम चल सकते हैं। MQMK नॉमिनेटेड उम्मीदवार कुंवर नवीद जमील भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह यहां से कामयाब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। जिसका डर था वही हुआ। कल इसी खदशे का इजहार हमने अपने प्रोग्राम में किया था जब हैदर अब्बास रिजवी साहब और शफकत महमूद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में थे कि अगर इसी तरीके के बयानबाजी होती रही पाकिस्तान तरीके इंसाफ और MQM के दरमियान तो फिर इलेक्शन कैंपेन कैसे होगी और इलेक्शन में माहौल क्या होगा, सियासी माहौल क्या होगा, और खास तौर पर जब यह बयानबाजी जो है वो तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब की तरफ से एक जानब से हो और दूसरी तरफ MQM का कायद अल्ताफ हुसैन साहब की जानब से हो। जब कायदीन इस लेवल पर बात करेंगे तो यकीनन उसका ट्रिकल डाउन होता है और आज हमने यही देखा। इमरान इस्माइल साहब जब अपनी टीम के हमरा पहुंचे अजीजाबाद जिना ग्राउंड तो वहां पर चले तो आसानी से गए, लेकिन जब वो वापस जा रहे थे उसके बाद हमने देखा कि दोनों पार्टीज के कारकुनान का आमना सामना हुआ और जो फुटेजेस एटलीस्ट हमारे पास मौजूद हैं उसमें यह देखा गया है कि MQM के जो सपोर्टर्स थे या उनके जो वर्कर्स थे उनकी जानिब से जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के काफिले पर हमला हुआ, उनकी गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। लेकिन बाद में MQM का वर्जन यह भी आया है कि उनकी जानिब से पहल की गई थी और अल्ताफ हुसैन साहब के पोस्टर्स जो है वो फाड़े गए थे जो कि इर्द गिर्द लगे हुए थे 90 और जिना ग्राउंड के। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि गालियां दी गई थी अल्ताफ हुसैन साहब को और नारे उनके कायद के खिलाफ अगर जिना ग्राउंड पर लगेंगे तो जाहिर सी बात है उनके कारकुनान और वर्कर्स का रिएक्शन जरूर आएगा। तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ आज होंगे प्रोग्राम में, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा है और NA 246 इलेक्शन भी लड़ेंगे, क्या हुआ उनके साथ आज उनसे जानेंगे। और इसके अलावा कुछ ही देर में हमारे साथ कवर नवीद साहब भी होंगे, वो MQM की जानब से NA 246 पे इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे एक मुख्तर से कहा जा रहा है कि मैं प्रोग्राम में वक्फा ले लूँ, उसके बाद मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, इमरान इस्माइल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान इस्माइल साहब, क्या हुआ आज आप गए जिना ग्राउंड और वहां पर हमने देखा कि आप क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन वो क्रिकेट के बाद ये हंगामा आराई कैसे शुरू हुई? आप कहते हैं उनकी तरफ से हमला किया गया आपके काफिले पर और उनका मौकिफ ये कि पहल तहरीक इंसाफ ने की है। भाईजान, हम वहां पे गए थे पुरअमन तरीके से और मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सबका हक है कि कहीं भी जाके जलसा करें, लेकिन ये जिसको इजाजत आ रही इन्होंने बनाया हुआ है कि जी आप इस गली में नहीं आएंगे, उस ग्राउंड में नहीं जाएंगे, यहाँ जाने से पाकिस्तान टूट जाएगा, वहाँ जाने से कराची को आग लग जाएगी, ये तरीका ठीक नहीं है। हम वहाँ पे गए बड़े पूरा मन तरीके से, हमने जाके बच्चों से जो क्रिकेट खेले थे उनसे भी मिले। एक बच्चे ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं उसको बॉलिंग करूँ, पहले उसको बॉलिंग की, दो तीन बॉलें उसको कराई। नहीं, उस बॉल पे तो इमरान इस्माइल साहब छक्का जरूर पड़ना चाहिए था, लेकिन हाँ बल्ले से आपकी गाड़ी को जो है छक्का नहीं पड़ना चाहिए था, इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ। नहीं, उसके बाद जो मैं वहाँ पे हम कंटेनर खड़े हुए देखा, कंटेनर बोल रहा हूँ, देख रहे थे कि कंटेनर कहाँ रखेंगे स्टेज बनाने के लिए और एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हम देख रहे थे। फिर जब हम निकल रहे थे बाहर तो अचानक मैंने देखा कि 50-60 लड़के आए हैं जिनके हाथ में लाठी और इस तरह की पत्थर इस तरह की चीजें थी। मुझे मॉल में टेंस महसूस हुआ बिकॉज वो नारे लगा रहे थे अल्ताफ हुसैन और MQM के और हमारे लड़के नारे लगा रहे थे PTI और इमरान खान के, तो मॉल टेंस हो रहा था। बाहर मीडिया ने मुझसे कहा कि आप मुझसे हमसे बात करें, मैं उनसे बात कर रहा था तो उस वक्त पीछे ये सारा लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, उन्होंने पत्थर मारे लाठियां मारी जो आपके मीडिया ने दिखाया भी। और उस बाद जब हम जा रहे हैं गाड़ियों में बैठ के तो उस वक्त गाड़ियों को मारना और शीशे तोड़ना और सारा करना, इसका मतलब है कि हमारा तो कोई वायलेंस का या लड़ने का मूड ही नहीं था। अच्छा, मुझे ये बताएं इमरान इस्माइल साहब, इसके बाद जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हैदर अब्बास रिजवी साहब ने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि हुल्लड़बाजी आपकी तरफ से भी थी, गुंडे आपके साथ थे और उन्होंने ये कहा कि जब आप जिना ग्राउंड गए तो किसी किस्म की रुकावट नहीं थी, अगर रुकावट वो कहते हमने डालनी होती तो हम तो जाने ही नहीं देते आपको वहां पर, आप गए बड़े पुरअमन तरीके से गए, लेकिन क्योंकि आपके वहां पर लड़कों ने अल्ताफ हुसैन साहब को गालियां दी, नारे उनके खिलाफ लगाए और पोस्टर्स फाड़े वहां पर, इस वजह से जो है उनको ये गुस्सा आया था उनके कारकुनान और उनके जो सपोर्टर्स थे वहां पर। शहजाद, बिल्कुल झूठ, मैं आपसे हल्फिया कह रहा हूँ कि ना अल्ताफ हुसैन के पोस्टर फाड़े गए, ना MQM के खिलाफ कोई नारेबाजी हुई, कोई हमने ऐसी नाजेबा चीज
नहीं की जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। हमें ये अंदाजा है कि वहां पर अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले और एमकेएम को पसंद करने वाले लोग रहते जरूर होंगे वहां पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% लोग आपके हो। लोगों की अपनी राय होती है, कुछ चाहते होंगे अल्ताफ हुसैन को, कुछ इमरान खान के चाहने वाले भी होंगे। हमें लोग बिल्डिंगों के ऊपर से विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे, हमने जरूर ये इंस्टिगेट करना था अपना प्रोग्राम खराब करने के लिए। हम नॉन वायलेंस के ऊपर यकीन रखते हैं। मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि ऑन ऑर्थ में आपसे कह सकता हूँ कि ना हमने कोई अल्ताफ हुसैन साहब का पोस्टर फाड़ा, ना हमने किसी कोई ऐसी नाजेबा अल्फाज कोई नारे ऐसे लगाए कि जिससे कोई वायलेंस इंस्टिगेट होने का खतरा हो। ठीक है, उस वक्त तो अच्छा ये फुटेजेस तो हमारे सामने थे कि जो जब बल्ले मारे जा रहे थे या शीशे तोड़े जा रहे थे वो तो आपका काफिला था। उस वक्त हमने ये फुटेजेस नहीं देखे कि आपके कोई कारकुनान ने एमक्यूएम की तरफ वायलेंस किया हो, ना तो हमने पोस्टर्स फाड़ने वाली फुटेजेस एटलीस्ट देखी है। लेकिन अब से कुछ देर पहले एक फुटेज जरूर रिलीज की गई है जिसमें एमक्यूएम के कुछ लड़के खड़े हुए हैं, एक के सर से खून बह रहा है, एक की पीठ पे निशान है, वो कह रहे हैं कि ये वो हमारे लड़के हैं जिनको तशद्दुद का निशाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बनाया। एक वो फुटेज जो है ना, अगर ऐसा तशद्दुद हम कर रहे होते तो मीडिया पे जरूर आता, सारे कैमरे वहां मौजूद थे जी। मीडिया के तो किसी कैमरे पे नहीं आया। और दूसरा ये कि हमारा ये इंसिडेंट हुआ है शाम को 4:30 बजे और ये जो फुटेज इन्होंने रिलीज की है रात के अंधेरे की है और उस वक्त भी खून बह रहा था और सारा कुछ फ्रेश वाउंड से, कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ कि अब बस कर दें झूठ बोलना, अब तो कम से कम कौम को एक साथ सुक्का लेने दें, बहुत हो गया वायलेंस, बस कर दें वायलेंस को, आराम से करें। इलेक्शन है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन है, इससे ना एमकेएम की ताकत को फर्क पड़ता है असेंबली में, ना पीटीआई की ताकत को फर्क पड़ता है असेंबली से। ये इलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ ये बात हो रही है कि यहाँ पे पीटीआई ने पहली बार चैलेंज किया है एमकेएम, यानी पीटीआई ने किया एमकेएम को, पिछले 20-22 साल में पहली दफा किसी ने चैलेंज किया है और ये अपनी जारदारी खत्म नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपसे एफआईआर के मामले पर भी बात करूंगा इमरान स्पाइस साहब, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि एमकेएम का के लोग भी अब जो है वो अजीजाबाद थाने में पहुंच गए आपके खिलाफ एफआईआर कटवाने के लिए। मैं इस पर बात करता हूं, लेकिन सईद गनी साहब भी हमारे साथ टेलीफोन पर लाइन पर मौजूद है। सेंटर सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दो चीजों पर आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक तो ये खबर आई है कि पीपल्स पार्टी शायद अजीजाबाद के हल्के से यानी कि NA-246 से इंतखाबात नहीं लड़ी, ये रिवायत के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी नॉर्मली स्पेस छोड़ती नहीं है चाहे कितनी ही वीक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, इसकी क्या वजह है? और दूसरा जो आज का इंसिडेंट है उस पर आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू देंगे अपना? देखिए, पहली बात आपने ठीक कही कि पीपल्स पार्टी हर हाल में कंटेंड रही है। इसके दो असबाब हैं। एक तो ये है कि जिस किस्म का टेंस माहौल पैदा हो रहा था उसमें हमने मुनासिब समझा कि शायद हम इसमें ना जाएं। तो आप कह रहे हैं जो आज जिना ग्राउंड पे वो उससे खौफ जो है तारी हो गया पीपल्स पार्टी पर? खौफ नहीं, ये तो बाद में हुआ है। हमारे पे जो कैंडिडेट उन्होंने पहले विड्रॉ कर लिया था इससे। और दूसरी वजह ये है कि जो अगले बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं हमारी पूरी तवज्जो इलेक्शन पर है और हम चाहते हैं कि हम बजाय इसके कि एक महीना अपना यहाँ लगाएं और पूरी पार्टी को यहाँ कराची को एंगेज करें, बेहतर है कि हम उस पर करें। और हमें पता है कि पीपल्स पार्टी कंटेस्ट भी करे तो शायद हमारी ये सीट किसी सूरत में बनती नहीं और हम जीतने की पोजीशन में नहीं थे, तो ये एक बुनियादी सबब इसका था। अच्छा, दूसरा जो अब आज का वाकया है इंतहाई अफसोसनाक है और मैं समझता हूँ कि ये रिफ्लेक्शन है उन बातों की जो इमरान खान साहब भी करते रहे हैं अपने जलसों में और अल्ताफ हुसैन साहब भी जो है वो बाज़ औक़ात अपनी तकारीर में बातें कर जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये बात समझता हूँ कि हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उन्हें अपने अल्फाज के चुनाव में और अपने लहजे में कोई ऐसी तलखी नहीं लानी चाहिए जिससे उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इस किस्म का कोई इंप्रेशन लें कि जी वो तो बिल्कुल मारा मारी और लड़ाई झगड़े की सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज के इस वाक़े से दोनों जमातों को भी कुछ सीखना चाहिए और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इमरान इस्मान साहब ठीक कह रहे थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के एक हल्के की ये इलेक्शन है, लेकिन अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये कुछ हो सकता है तो आप ये सोचें कि फिर अगले चंद माह बाद जब यहाँ बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो क्या सूरत हाल होगी और अगर आम इंतखाबात हो रहे हैं तो क्या सूरत हाल होगी। सईद गनी साहब, अब आपकी हुकूमत है क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो किस तरीके से अब आपकी पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी इस बाय इलेक्शन को सबसे पहले और बाद में जब ये ऑब्वियसली लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे, लेकिन सबसे पहला मरहला तो ये कि तरीके इंसाफ कैंपेन वहां पर कैसे करेगी, क्योंकि उनका कहना ये है कि हमारे पे तशद्दुद हुआ है, हम मजलूम है, और दूसरा इस इलेक्शन को कैसे आप लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे फिर? देखिए हजरत, ये तो जिम्मेदारी है हमारी गवर्नमेंट की, इन एनी केस उनको करना है और पुलिस के साथ मिलके, रेंजर्स के साथ मिलके, दोनों जमातों के साथ भी डेफिनेटली बात। आज माजरत के साथ पुलिस तमाशा देख रही थी, जो भी मोबाइल वहाँ पे 2-3 इर्द गिर्द हमने देखी अपने फुटेजेस में, उन्होंने कुछ नहीं, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। देखें, वहाँ पर SHO को फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया और उसकी यही सबब है कि पुलिस वहाँ मौजूद थी और वो उसको रोकने में नाकाम रहे हैं, उसको सस्पेंड कर दिया गया है।
लेकिन अब क्योंकि एक वाकया हुआ है, इस वाकये को सबक समझना चाहिए, उससे आगे चीजें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी मैं सिर्फ गुजारिश ये करूंगा, देखिए इदारे अपनी जगह, इलेक्शन कमीशन भी है, पुलिस भी है, हुकूमत भी है, इनकी जिम्मेदारी है कि चीजों को ठीक करें, लेकिन इंतखाबात में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं हो सकता कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद तो तय कर लें कि हमने लड़ाई झगड़े करना है और फिर इदारों को कहेंगे कि आप इसको संभालते रहो, तो ये मैं समझता हूँ कि नामुनासिब और गैर जिम्मेदाराना तर्जमल है। इसमें दोनों जमातों को जिम्मेदारी का इजहारा करना चाहिए और मैं आज के वाकये में समझता हूँ कि शायद एनक्यूएम ने थोड़ी सी ज्यादती की है। वहाँ अगर इनके लोग जज्बाती हो भी रहे थे तो इनकी रहनुमाओं की जिम्मेदारी थी कि उनको रोकते, चूंकि पीटीआई के लोग वहाँ गए। ठीक है, आप समझते हैं कि एमक्यूएम की तरफ से थोड़ी ज्यादती हुई है। इमरान इस्माइल साहब, ये जो बात की सईद गनी साहब ने कि ये आज जो हुआ है वो रिफ्लेक्शन है कि दो कायदीन अगर आपस में इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे तो नीचे कारकुनान के लेवल पर ये इस तरह की हाथापाई देखने में आ सकती है, तो आप समझते हैं इसका ब्लेम जो है वो एमक्यूएम के साथ साथ आपकी पार्टी पर भी जाता है और इमरान खान साहब के बयान की वजह से ये हुआ है? देखिए, मुझे कोई ऐसी चीज बता देंगे, इमरान खान ने अपने वर्कर्स को इंस्टिगेट किया हो वायलेंस के लिए, और मैं आपको कई तकरीरें एमकेएम के लोगों की और स्पेशल अल्ताफ हुसैन साहब का आपको दिखा सकता हूँ, आपने खुद देखी है आपके मीडिया पे जो इंस्टिगेटिंग स्पीचेस होती हैं। तो जहाँ आप अगर थोड़ा सा भी इंस्टिगेट करते हैं अपने वर्कर को तो उसके बाद उसकी रिफ्लेक्शन तो ये जरूर आती है। मुझे कोई इमरान खान की तकरीर आप दिखा दें जिसमें वर्कर को इंस्टिगेट कर रहे हो तो मुझे बता दें, मैं उसको कंडेम करूंगा। मैंने तो कोई, मैं खान साहब के साथ, मेरा ख्याल है कोई 20-22 साल का मेरी एफिलिएशन हो गई है, मैंने आज तक कोई वायलेंस की तरफ उनका टिल्ट या उनका झुकाव इंस्टिगेशन की तरफ कि अपने वर्कर्स को इंस्टिगेट करके कोई इस तरह की, लेकिन इस इलेक्शन के हवाले से तो नहीं देखा इमरान इस्माइल साहब, लेकिन जब यहाँ पे इस्लामाबाद में कंटेनर पे थे तो तकारीर करते थे कि हम पुलिस वालों को नहीं छोड़ेंगे अगर हमारे खिलाफ उन्होंने कुछ किया, इस तरह की बातें तो वो कर चुके हैं, मतलब NA 246 से रिलेटेड शायद ना क्यों लेकिन माजी में कर चुके हैं। देखिए, वो एक मूवमेंट चल रही थी जिसमें पुलिस हमारे लोगों के ऊपर लाठियां बरसा रही थी और जो शेलिंग हमारे लोगों पे हो रही थी और बुलेट्स फायर हो रहे थे, 14 लोग वहां पे शहीद हो गए थे, वो एक अलग स्पीच थी, उसके अलग वो प्रोज एंड कॉन्स थे। पुलिस को वार्न कर रहे थे कि तुम स्टेट की नौकरी करो। एक आदमी 246 पे वापस बात करते हैं, इमरान इस्माइल साहब, अब पुलिस वहां पर आज मौजूद थी, उन्होंने क्यों नहीं रोका? क्योंकि गालिबन वो आपके ही काफिले के साथ आपको ही सिक्योरिटी देने आई थी, ये बात दुरुस्त है? नहीं, हमारे काफले के साथ नहीं आए, जब हम पहुंचे थे तो वहाँ पुलिस SHO खड़े हुए थे अपनी नफरी के साथ, और हमारा ख्याल यही था कि ये अगर यहाँ पे कोई चीज ऐसी होगी तो ये शायद उसको रोक पाएंगे। लेकिन जब ये जिस वक्त ये वाकया हुआ तो मैंने जो पुलिस को देखा तो वो बिल्कुल विड्रॉल सिचुएशन में थे, यानी पीछे हट गए थे और बिल्कुल किसी को नहीं रोक रहे थे, ना आगे आए रोकने के लिए, ना कोई ऐसी नीयत जाहिर की उन्होंने। और उसके बाद फिर इस रिएक्शन से आप मुतमईन है? सईद गनी साहब कह रहे हैं कि SHO को फौरन हमने मौतल कर दिया था क्योंकि उन्होंने किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया। मेरी DIG साहब से बात हुई फौरन ही, उन्होंने उसी वक्त उन्होंने SHO को मौतल किया और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि जी आपको पूरा हम प्रोटेक्शन देंगे, ट्राफ आपको मिलेगा, देयर इज नो इशू। आगे किस किस्म का प्रोटेक्शन होगा? लेकिन पहले सवाल तो ये बनता है कि क्या आप अब भी जिना ग्राउंड की तरफ जाएंगे जिस तरह आप आज गए थे, और क्या वहां पे जलसा करने का अब भी आपका इरादा है, और अगर इरादा है तो फिर किस किस्म की सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड होगी? इलेक्शन के दिन किस किस्म की सिक्योरिटी आप समझते हैं कि जरूरत पड़ेगी? पुलिस देगी, रेंजर्स देगी या फौज को तलब करना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि रेंजर्स को प्रोटेक्शन देनी चाहिए वहाँ अगर जलसा होता है तो उसके लिए, क्योंकि रेंजर्स वहाँ उस इलाके में मौजूद है, वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन भी किया है और ये बैरियर हटाने के हवाले से भी बाकी सारी चीजों में रेंजर्स बहुत एक्टिव है आजकल, रेंजर्स को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। और जहाँ तक बात है वापस जाने की उस जगह पे, तो वहाँ मैं जरूर जाऊंगा और वहाँ जलसा अगर हमारी पार्टी करने का सोचेगी कि उन्होंने तय कर लिया कि वहाँ करना ही है तो वो मैं समझता हूँ कि 100% होगा और मैं पूरा उसके जिम्मेदारी के साथ वहाँ पे जाऊंगा, दोस्तों के साथ जाऊंगा, पार्टी के मेंबर्स के साथ जाऊंगा। और इसी तरह हम अमन से पहले भी गए थे, हम फिर अमन के साथ जाएंगे और जो मर्जी इन्होंने करना है वहाँ पे कर ले। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब अभी कुछ देर जी, जिना ग्राउंड जो है ना, जिना ग्राउंड किसी की मिल्कियत नहीं है, ना PTI की है, ना MQM की मिल्कियत। कहते हैं हमारे शोदा यादगार है वो, ये शोदा की यादगार है, तो शोदा की हम भी फातवे खानी कर सकते हैं, वो भी बच्चे कराची के थे जो मरे हैं, हमें भी उन बच्चों से बहुत हमदर्दी है और बहुत उनके घर वालों से हमदर्दी है और अफसोस है उन बच्चों की शहादतों का। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, कोई मुसलमान ये नहीं कर सकता कि अगर दूसरी कोई जमात के बच्चे मर गए तो उसके ऊपर हम कोई खुशियां बजाएं, बगले में जाएं, ये हो नहीं सकता। इमरान इस्माइल साहब, कुछ देर पहले ये खबर भी चली थी कि इलेक्शन ऑफिस बनाने का फैसला किया है MQM ने जिना ग्राउंड पर, वहां पे उनके टेंट्स भी लग जाएंगे और कहा जा रहा है कि उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और जितनी भी इस इलेक्शन के हवाले से कैंपेन के लिए उनके वर्कर्स की जरूरत है उनका डेरा
अब जिना ग्राउंड पर होगा, इसकी तस्दीक भी मेरे ख्याल से आ जाएगी। अगर ये हुआ तो फिर कैसे आप वहाँ पे जलसा करेंगे? मुझे नहीं पता कि हमारी जो यहाँ पे जो अथॉरिटीज हैं वो क्या करेंगी, क्योंकि हमने एप्लीकेशन पहले जमा कराई है। एमकेएम को एप्लीकेशन की जरूरत भी है कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन इस चीज से एक चीज मुझे साफ पता लगी है कि हमारे जिना ग्राउंड पे जाने से जितनी एमकेएम हिल गई है, उनको ये पता लग गया है कि ये पीटीआई का वोट बैंक हो जाएगा। यहाँ पे अगर पीटीआई आ गई, खान साहब ने एक जलसा कर दिया, तो ये सारा इधर खेल इनका जो सजाया हुआ है वो बिगड़ जाए। सईद गनी साहब, आपको क्या लगता है ये रिएक्शन आज एमकेएम की जानिब से क्यों आया? क्या कोई ऐसी बात भी हो सकती है कि उनको जेन्युइनली खौफ है कि पीटीआई एक सख्त मुकाबला दे सकती है, एक सख्त चैलेंज उनके लिए बन सकती है अजीजाबाद में? क्या ये भी एक वजह हो सकती है इसकी? देखिए, अब इसका तो मैं कोई बात नहीं कर सकता कि रिएक्शन उन्होंने क्यों किया है, लेकिन देखें, अगर वहाँ इलेक्शन हो रहा है और मुख्तलिफ कैंडिडेट्स वहाँ मौजूद हैं, तो ये हर कैंडिडेट का हक है कि वो जहाँ मुनासिब समझता है, जो जगह अवेलेबल है, वहाँ वो जलसा करे। ठीक है, जिना ग्राउंड जो है वो एमकेएम के मरकज के साथ है, वहाँ पर रिवायती तौर पर वो अपनी गैदरिंग्स करते रहें, प्रोग्राम्स करते रहें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जमातों के लिए वो शजर ममनुआ है, वहाँ कोई जा नहीं सकता है। अगर पीटीआई समझती है कि इन्हें वहाँ जलसा करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इनको इजाजत होनी चाहिए। और ये तासुर अगर आज कंवर कथा कलामी की माजरा चाहता हूँ सईद गनी साहब, कंवर नवीद साहब जो कि तहरीक इंसाफ के इमरान इस्माइल साहब के मुकाबले में लड़ेंगे उस हल्के से, उन्होंने कहा कि अगर वो आना चाहते थे तो हमें इन्फॉर्म कर देते, हम उनके लिए फैसिलिटेट करते उनको वहां पर। आपके ख्याल में क्या मुखालिफ पार्टी को इन्फॉर्म करना जरूरी है जस्ट बिकॉज कि उनका हेडक्वार्टर के आस पास है? नहीं नहीं, देखिये, मैं तो समझता हूँ कि ये और एक नामुनासिब सी बात थी। अगर आप ये कहते हैं कि जी शहर में सबको आजादी है और हम जो है वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अमली तौर पर उसका इजहार भी होना चाहिए। तो ये कोई बात नहीं है, अगर कहीं वो जाना चाहते हैं तो फिर आपको बता के जाएं। कल को अगर मेरे मोहल्ले में इमरान इस्माइल आना चाहें तो मैं कहूँगी पहले मुझे बताएं, फिर आप आएं और मैं आपकी खिदमत करूंगा और आपकी दावत करूंगा। तो ये मुनासिब बात नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर एमकेएम समझती थी कि इनको नहीं आना चाहिए था तो फिर उनको फिर पहले कोई जाके पुलिस को दरखास्त देनी चाहिए थी कि जो आएंगे तो कुछ सूरत खराब होगी, तो फिर पुलिस कोई अरेंजमेंट करती, लेकिन पुलिस इनको रोक फिर भी नहीं सकती थी, लेकिन ये था कि इंतजाम जरूर कर लेती थी कि कुछ सूरत खराब ना हो। ये शिकवा था इमरान इस्माइल साहब आज कंवर नवीद साहब का, जब उन्होंने समा से भी बात की, उन्होंने कहा इमरान इस्माइल साहब के और उनकी टीम को हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि हम जिना बाग आ रहे हैं, जिना ग्राउंड आ रहे हैं, तो लिहाजा हमें इन्फॉर्म कर देती तो बेहतर होता, ये सूरत हाल नहीं होती। तो नेक्स्ट टाइम ये ऑफर जो है उनकी, आप इसको इसको यूज करेंगे या नहीं करेंगे? मैं अगर इनकी जायदाद होती ना तो मैं इनको जरूर इन्फॉर्म करता, इजाजत लेता, इनसे कहता थी भाईजान मुझे इधर आने दें, मुझे यहाँ बच्चे की शादी करनी है, वलीमा करना है, या मुझे यहाँ पे जलसा करना है, जुलूस करना है, तब मैं इजाजत लूंगा ना। अगर ये स्टेट प्रॉपर्टी है और ये वाकई एक आजाद शहर है जिसके अंदर हर शहरी जो है वो आजादी से सांस ले रहा है, अगर इसमें वाकई कोई नो गो एरिया नहीं है तो फिर मैं इजाजत क्यों लूं एमकेएम से? मुझे ये बताएं, मुझे समझ नहीं आई इस बात की। एमकेएम से इजाजत तो मैं उस वक्त लेता जब मैं उनसे कहता कि जी मुझे 90 के अंदर आना है चाय पीने, तब मैं उनसे इजाजत लेता, वो मुझे होस्ट करते। 90 उनकी प्रॉपर्टी है, मैं तो उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। अच्छा, आज आज एक और बात भी जो कंवर साहब ने की वो ये थी कि हमें तो कोई मसला नहीं था, वो जिना ग्राउंड में आके करते, लेकिन आज जिस किस्म का रवैया इख्तियार किया है, जिस स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त आया, तो अब हमें इनसे खौफ है कि पता नहीं 200 लोग मैनेज नहीं कर सके, अगर यहाँ पे हजारों लोगों का मजमा इकट्ठा हो जाएगा 19 अप्रैल को, तो फिर पता नहीं क्या होगा, इसीलिए अब हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो इस जगह पर आके जलसा करें। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि वो अपनी राय जरूर दें, उनको हक है अपनी राय देने का, हमारी राय में जो बेहतर है हमारे लिए हम वो करना चाहते हैं, तो कोई तो डिसाइड करेगा ना, ये कंवर नवीद साहब डिसाइड करेंगे कि हमें जलसा वहाँ करना है या नहीं करना, या एमकेएम डिसाइड करेगी पीटीआई के लिए, ये तो अथॉरिटीज डिसाइड करेंगी ना। लेट द डीसी डिसाइड, लेट द एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड कि जी वहाँ जलसा करना है या नहीं करना, वहाँ सेंसिटिविटी है कि नहीं किसी चीज की, उनको डिसाइड करने दें, आप भी राय जरूर दें, जिना बाग पे जलसा हुआ, जिना ग्राउंड पे जलसा हुआ, तो आग लग जाएगी पूरे कराची में। जी, कंवर नवीद साहब ने ये फरमाया है और मैं ही था उसमें, और कोई नहीं था मेरे साथ ही, मुझे ये मैंने ये कहा कि अगर ये जलसा हुआ तो आग लग जाएगी कराची में, तो मैं समझता हूँ कि एक जलसे से कराची को आग लग जाएगी, एक हल्का जीतने या हारने से पाकिस्तान टूट जाएगा, ये किस किस्म के हम इलेक्शन? ठीक है, मैं इस बात का जवाब सईद गनी साहब से ले लूं, फिर हमें उनको जो है
उनकी लाइन फिर हमें ड्रॉप करनी पड़ेगी। इसके बाद सैयद गनी साहब, ये आज कंवर साहब ने फरमाया है कि अगर इस इसके बाद भी आज जो हुआ उसके बाद भी जिना ग्राउंड पर अगर जलसा करती है तहरीके इंसाफ तो पूरे शहर में आग लग जाएगी, ये आपके ख्याल में इस तरह के हालात हैं? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए लीडरशिप को। अगर ये कोई आम कारकुन कह रहा हो तब लीडर की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें समझाए कि नहीं ऐसी बात नहीं करनी, और सियासत में हर आदमी को हक है कि वो अपनी बात कहे। लेकिन अगर कैंडिडेट खुद ये बात करेगा तो मैं समझता हूँ कि ये कोई मुनासिब बात नहीं है। इलेक्शन लड़ना है, दोनों जमातों को ये हक होना चाहिए, इजाजत होना चाहिए। पीएमएल पीटीआई को अगर हक है तो एमपीओ को ज़ाहिर है पूरे शहर में इजाजत है, वो भी कहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कंवर साहब को इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए, और इससे जो टेंशन है दोनों जमातों के दरमियान उसमें इजाफा, ठीक है। अगर आपने टेंशन कम करनी है तो जो दोनों जमातों के लीडर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको अपने अल्फाज जो हैं वो मुनासिब तौर पर इस्तेमाल करने चाहिए और रवैया दुरुस्त करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर सईद गनी साहब, आपने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। कंवर नवीद साहब भी अब हमारे साथ टेलीफोन पर, इनफैक्ट हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। कंवर नवीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप प्रोग्राम के आगाज से ही हमारे साथ होते जैसा कि आपने कमिट किया था हमसे, लेकिन शायद वो हो नहीं सका आपके लिए मुमकिन। कंवर साहब, बहुत बात हो चुकी है, दो चीजें जो है बड़ी अहम है। एक तो ये कि अगर तहरीक इंसाफ जिना ग्राउंड में करना चाहती है अपना जलसा तो इससे एतराज क्यों है, और आज जब उनका वक्त आया तो फिर आपके लोगों ने क्यों उनको तशद्दुद का निशाना बनाया? देखें, जो उनके जो लोग आए थे, अगर वो एक तो वैसे भी ये इंतहाई गैर अखलाकी बात है कि वो लोग यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर जब उन्होंने हमारे जो वहाँ पे बच्चे खेल रहे, सबसे पहले जहाँ पे हमारे शहदा की यादगार है वहाँ आकर अल्ताफ भाई के खिलाफ नारे लगाए, वहाँ पर जो हमारे पोस्टर लगे हुए थे उनको तोड़ा गया। उसके बाद हम एमक्यूएम का इसमें कोई शामिल नहीं था, जो बच्चे वहाँ खेल रहे थे जिनके साथ ये क्रिकेट खेल रहे थे वही बच्चे वही लड़के एग्रेसिव हुए, इसलिए कि देखें ये एमक्यूएम के 20,000 शहादा की यादगार है, इससे न सिर्फ अज़ाबाद बल्कि पूरे कराची के लोगों की बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है। इस अज़ाबाद में इस इलाके के चारों तरफ भी बहुत सारी फैमिलियाँ ऐसी हैं कि जिनके लोग शहीद हुए हैं, तो इसलिए इसे बड़ी जज्बाती, जब उन्होंने ये सब कुछ किया तो उसके ऊपर लोग मुश्तइल हुए और उसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मारपीट इनकी तरफ से हुई है, आपको हम आपने देखा कि उसमें हमारे जो सर हमने नहीं देखा, माजरत के साथ मेरे पास जो वीडियो एविडेंस मौजूद है, और मेरे पास नहीं तमाम चैनल्स के पास, उसमें हमने काफिले को जो है ट्राईपॉड जो कि कैमरामैन यूज करते हैं उससे गाड़ियों को तोड़ते हुए देखा, बल्ले लगाए गए, लाते मारी गई, ये हमने देखा है, इसके अलावा नहीं दिखाया किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया, तो आप एविडेंस फिर हमें बताएंगे कहां वो पोस्टर्स फाड़े गए? देखें वो अगर आप आ जाएं तो हम आपको अभी भी दिखा दें। दूसरा, हैदर रिजवी भाई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन जख्मी बच्चों को दिखाया गया, वो यंगस्टर जो बिल्कुल कम उम्र बच्चे हैं जिन्हें मारा पीटा गया, जिनको खून निकला है, तो ये तमाम कोई देखें हमारे लिए ये जो सीट है N246 ये हम गुज़िश्ता 30 साल से जीतते चले आ रहे हैं और हमारे लिए कोई चैलेंजिंग नहीं है। आप ये बात समझ, जब इस सीट का ऐलान हुआ और पीटीआई ने कहा कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, सबसे पहले अल्ताफ भाई ने उनको पीटीआई को कहा कि आप आइए, यही बात तो समझ नहीं आ रही। देखें आप पे दोहरी जिम्मेदारी, एक तो आप खुद कह रहे हैं कि ये सीट, मेरा सवाल सुन लें, जवाब दे आपके, ये सीट आपकी सीट है, आप माजी में जीतने आए, कंप्लीट हो जाए आपका पिछले सवाल का मेरा जवाब कंप्लीट हो जाए ना, तो आप मुझसे नया सवाल कर लीजिएगा। देखिए उसके बाद कि ये हमें इसमें कोई पैनिक नहीं है, इस NA 246 में 20 से ज़्यादा ग्राउंड मौजूद हैं। आज इन्होंने इलेक्शन कैंपेन की इब्तिदा ऐसे की कि बाहर से लोग लाके, जिसमें NA 246 का रहने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं था, और उसके बाद यहाँ पर आके उन्होंने अल्ताफ भाई को नारेबाजी करें, अल्ताफ भाई के खिलाफ नारेबाजी करें और ये सब कुछ करें, इस तरह इलेक्शन कहाँ होता है? इससे पहले भी अब हर जब भी इलेक्शन हुआ है गुज़िश्ता 30 साल से एमक्यूएम इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, हर दफ़ा इलेक्शन में कोई इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ कि इस सीट के ऊपर तमाम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे खड़े हुए। जिस तरह इलेक्शन होता है इस तरह से करें, लेकिन अगर इस तरह से जाकर
सवाल मेरा सुन लें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ा स्ट्रांग होल्ड है आपका, बल्कि क्योंकि आपका हेडक्वार्टर है तो एक तरीके की तो आप मेजबान हैं यहाँ पर, और इस वक्त अगर आपके हलके में कुछ भी होगा तो जाहिर सी बात है उसकी जिम्मेदारी आप पर डाली जाएगी, तो आपको तो और आपके लोगों को ज्यादा तहमुल से काम लेना चाहिए। ये बड़ा डैमेजिंग होगा, ये मेरे ख्याल से तमाम तजियेकारों का पॉइंट ऑफ व्यू ये कि ये एमक्यूएम के लिए बहुत डैमेजिंग साबित होगा। इलेक्शन शायद आप फिर भी जीत जाए बड़े आराम से, लेकिन ये आज जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसमें एमक्यूएम का, हमें इस वाक़े पर अफसोस है, इसमें एमक्यूएम का कोई वर्कर शामिल नहीं था। ये वहाँ पर खेलने वाले, वहाँ पर मौजूद जो लोग थे, इलाके के अहले मोहल्ला थे, वो इनके इस एटीट्यूड के ऊपर एग्रेसिव हो गए। अगर ये इनको इलेक्शन लड़ना है, अगर इनको इस तरह, देखिए हम लोग इस वक्त पहले ही परेशानी को फेस कर रहे हैं। इस वक्त जो कराची में ऑपरेशन चल रहा है उसी में ये NA-246 जो है ये फेडबिरिया और लियाकतआबाद पर आती है, पर मुश्तमिल है। इस गुज़श्ता चंद महीनों में इन सिर्फ इस हलके से एमक्यूएम के 600 कल हैदराबाद रिजवी साहब हमारे प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि अल्ताफ हुसैन साहब हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं, तो अगर कोई छोटी मोटी बात है, जलसा करने की बात है, तो करने दें। मेरे ख्याल से अगर आप समझते हैं कि आपका स्ट्रांग होल्ड है तो फिर उससे इलेक्शन का रिजल्ट तो यकीनन मुतासर नहीं होगा, चाहे वो जिना ग्राउंड हो या जो 19 मजीद ग्राउंड है उस जगह पर जलसा करने से। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ कंवर नवीद साहब मौजूद हैं, इमरान स्माइल साहब मौजूद हैं, दोनों कॉन्टेस्ट करेंगे NA-246 पर। इमरान स्माइल साहब, ब्रेक में जाने से पहले कंवर साहब ने यह फरमाया कि जिन बच्चों के साथ आप क्रिकेट खेल रहे थे, जब आप लोगों ने वहां पे अल्ताफ हुसैन साहब के पोस्टर फाड़े, उनके खिलाफ नारे लगाए, तो उसके बाद उन्हीं बच्चों ने जो है आप लोगों के ऊपर जो है ये जो बैट मारे या जो लाते मारे या जो आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, ये वही लोग थे। शहजाद, एक चीज तो मैं और भी बताऊं, जो अभी कंवर साहब कह रहे थे कि हमने वहाँ पे जो शहदा हैं, तदफीन है या उनकी जो निशानियाँ हैं उस पर वहाँ खड़े होकर हमने कोई नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल किए। जब भी एमक्यूएम का कोई कारकुन या कोई इनका एमपीए या कोई भी लीडर शहीद किया गया या उसको कहीं कत्ल किया गया, तो मैं 90 गया, मैंने 90 जाके फातिहा भी की, मोमबत्ती भी जलाई, क्योंकि मैं कैंडल लाइट लेट के हमने ज़रूर होता है और उस घर में मातम बिछते हैं जिसमें खुदा ना खास्ता कोई लाश आती है या वहाँ से उठती है, तो मैं तो इस सोच भी नहीं सकता कि कोई तरीके इंसाफ से या मैं हम वहाँ खड़े होकर कोई ऐसी चीज़ करें कि जिसकी वजह से उन शहदा को कोई तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि हमारे अपने बच्चे हैं वो। आई रियली फील इट फ्रॉम माई हार्ट कि वो जो लोग मरे हैं वो हमारे अपने बच्चे हैं ना, वो किसी और के बच्चे तो नहीं। हम मज़ीद इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म हो। जो दहशतगर्दी कौन सी है कि 90 में से दहशतगर्द पकड़े जा रहे हैं? मैं नहीं कहता कि पूरी एमक्यूएम दहशतगर्द है, कि एमक्यूएम के सारे वोटर दहशतगर्द हैं, सब सपोर्टर दहशतगर्द हैं, लेकिन एमक्यूएम में दहशतगर्द एलिमेंट है। एमक्यूएम के लीडर्स की जो लैंग्वेज है वो इंसाइटिंग है। आप आज बात कर रहे थे, ये कंवर नवीद साहब मेरे साथ थे, उसकी वो लाइन कट गई या क्या हुआ, बहरहाल वो दूसरे प्रोग्राम में उसी वक्त वो वसीम अख्तर आ गया लाइन पे, उन्होंने आके कहा बहुत अच्छा हुआ इनके साथ। आज एफआईआर में, तो एफआईआर में इमरान स्माइल साहब आपने ये भी लिखवाया है कि जूते लगने चाहिए, तो आज हुआ है। जी जी, मैं उस पर आता हूँ। मैंने सुना वसीम अख्तर साहब ने कहा था कि मैं खुद भी जूते मारूंगा अगर आपने अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में ऐसी बात की, लेकिन आज जो एफआईआर आपने कटवाई है उसमें क्या आपने ये कहा है कि आज जो भी कुछ हुआ है ये तशद्दुद वो अल्ताफ हुसैन साहब की इमा पर हुआ है? जी हाँ, हमने इंसाइटिंग स्पीचेस को कोट किया कि स्पीचेस इंसाइटिंग थी जिसकी वजह से ये बच्चे जो है वायलेंस पर आते हैं। ठीक है, इसका जवाब दे दें कंवर साहब। बिल्कुल, जो हमारी तरफ से की वजह से ये हुआ है। देखें अब ये कि अगर ये इतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते, पीटीआई इतनी एग्रेसिव नहीं होती, तो ये सारी सूरत हाल होती भी नहीं। हमने भी एफआईआर कटवा रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब को हम नामजद कर रहे हैं कि उनके इस एग्रेसिव रवैये की वजह से कराची में ये सारा वाकया हुआ और इसी की वजह से कराची में आइंदा भी अमन अमान के ख़राब होने का खदशा है।
तो ये कि देखें, ये सारी खराबी पैदा ही उस वक्त हुई कि देखें, आप इस बात को तमाम पाकिस्तान जानता है कि जब पीटीआई ने यह ऐलान किया कि वो 246 से इलेक्शन लड़ेगी, तो सबसे पहले अल्ताफ भाई ने ही वेलकम कहा, उन्हें कहा कि आप आइए, आपका जमहूरी हक है कि आप इलेक्शन लड़ें, और इलेक्शन लड़ने का तो हमारा जिला पार्क में जलसा भी जमहूरी हक है। 246 देखिए, आज से पहले जो आज का अफसोसनाक वाकया हुआ है उससे पहले हमें कतई तौर पे कोई एतराज नहीं था, लेकिन अब हमें साहब, मैं आपसे ऑन ऑफ ये कह रहा हूं, मैं वहां मौजूद था, आप नहीं थे। नहीं नहीं, एक मिनट सुन लेना, मैं वहां था, आप नहीं थे। देखिए, मैं इसको विटनेस कर रहा हूं, आपके सारे वीडियो कैमरास ने विटनेस किया, मैंने आपकी पूरी बात तसल्ली से देखिए, हम लोग जेंटलमैन लोग हैं ना, आपने बात की, मैंने पूरी तसल्ली से बात सुनी ना। अब मैं बात नहीं, मैं कोई आप मेरा मकसद आपको कट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको करेक्ट कर रहा हूं। नहीं, कवर साहब कि मैं वहां मौजूद था, आप नहीं थे, आपने बात सुनी है, मैंने देखा है। देखिए शॉर्ट टाइम है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, आज से पहले हमें एतराज नहीं था, पिछले दिनों ही खालिद मकबूल भाई ने कई प्रोग्राम में कहा कि आते हैं, करते हैं वेलकम, अल्ताफ भाई ने वेलकम कहा। लेकिन आज जो वहां पे अब मेरा सवाल सुन ले, क्योंकि ये बात आप दोहरा रहे हैं वापस, मुझे मेरा एक सवाल बड़ा अहम है। अभी ये खबर चली है कि जिना ग्राउंड को अब आप लोग अपना इलेक्शन ऑफिस बनाने जा रहे हैं, तो ये फैसला क्यों किया गया है? क्या ये एमक्यूएम की घबराहट नहीं है? और अगर आप ऑफिस बना रहे तो ऐसा लगता है कि आप नहीं चाहते वो जिना ग्राउंड में आके जलसा करें, एक जलसे की तो बात है, तो वहां पे ऑफिस बनाने का क्यों फैसला किया आपने? देखें, आज से पहले हमें कोई परेशानी नहीं थी, एनए 246 में 20 से ज़्यादा ग्राउंड मौजूद है ना, लेकिन वहाँ पर वो एक इस लिहाज से सेंसिटिव एरिया जो आज वहाँ पर हो गया, जिस तरह का हमारे दोस्तों का रवैया रहा है, उसके बाद हम इस बात से खौफज़दा हैं कि खुदा न खास्ता बाहर से यहाँ पर, क्योंकि इनके पास एनए 246 में लोग नहीं हैं, इनके पास जो ज़्यादातर लोग हैं वो पैराफ्रीज के लोग हैं, तकरीबन 32,000 वोट उन्होंने वहां से लिया है, 32,000 वोट अगर पड़ा है पिछले इलेक्शन में, तो इसका मतलब कुछ लोग तो होंगे ना। लेकिन कमर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये नाइंसाफी है कि आप भी मुझे बात ना करने दें और वो भी बीच में बोलें, तो फिर ये कि मैं नहीं बोलता, मैं आपके प्रोग्राम से चला जाता हूँ, आप दोनों ही प्रोग्राम कर लें। कमर साहब एक लिमिट होती है ना, एक जवाब की भी लिमिट होती है, अगर आप पूरा जवाब 45 मिनट तक देते रहे तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको मेरा जवाब अच्छा नहीं लग रहा, अगर आपको मेरा जवाब अच्छा नहीं लग रहा तो आप उन्हीं से बात कर लेना, मुझे क्यों ले रहे हैं आप? कमर साहब, जब आपका जवाब मुकम्मल हो जाता है, सवाल उस वक्त करता हूं, लेकिन अगर आप सवाल देखें, आपने मुझसे दोपहर को बीपर लिया तो उस वक्त भी मुझे इंटरप्ट करते रहे, उस वक्त भी जब इमरान इस्माइल साहब बीपर दे रहे थे समा में, तो इन्हें किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, और जब मुझे करते रहे तो अगर आप मैं का पहला हिस्सा देख लेते हैं, मैंने इमरान इस्माइल साहब को बहुत इंटरप्ट किया है। कमर साहब, मैंने इमरान इस्माइल साहब को बहुत इंटरप्ट किया है आपकी गैर मौजूदगी में, क्योंकि वो थे मेरे साथ, मुझे सवाल का जवाब तो देने दे ना, अगर आप मुझे सवाल का जवाब भी नहीं देने देंगे, चाहे आप सवाल कर लीजिए अपना, आप बीच में बात कर रहे हैं। आपसे ये कर रहा था जी, सवाल मैं आपसे ये कर रहा था कि बेशक आप ये कहेंगे कि आप हमें खौफ है कि पीटीआई वहां पर नहीं आए, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी तो कहेंगे कि शायद ही आपकी स्ट्रेटजी थी कि आज ऐसा माहौल पैदा कर दो कि बाद में इनको जलसा ही ना करने दिया जाए। फिर नहीं, कतई तौर पे देखिए, जिना ग्राउंड में कोई नहीं रहता है जो कि वोट डालेगा, जिना ग्राउंड जिस तरह 20 वहां पे और ग्राउंड है, हमें इस बात का खौफ है कि देखिये वहां पे हमारे 20,000 शहदा की यादगारें हैं जिनका ताल्लुक पूरे कराची से, अगर वहां पर जाके आज के वाकये के बाद हम इस बात पे परेशान हैं कि अगर वहां पर जाके उस जिना ग्राउंड के अंदर कोई टूट फूट हो जाती है, उसमें तोड़ फोड़ कर देते हैं और वहां पे लाइटें लगी हैं, वो लाइटें तोड़ देते हैं वहां पे, और मोनूमेंट बने हुए मोनूमेंट तोड़ देते हैं, तो कराची में बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। इसी एनए 246 में 20 ग्राउंड और है ना, कर लेना, कल तक हमारी ये राय नहीं थी, लेकिन आज जो कुछ वहां पर हो गया, जिस तरह वहां पे नारेबाजी की गई, जिस तरह हमारे वहां पे पोस्टर गए, तो उससे हमारे जहन में खदशात आ रहे हैं ना, और हम ये जो भी तमाम चीजें सोच रहे हैं ये भी कराची के इंटरेस्ट में सोच रहे हैं। ये 20,000 शहदा हैं, इनके पूरे कराची में 20 लाख इनके रिश्तेदार रहते हैं, उनको कौन संभालेगा? अब मैं आपका जवाब तसली से सुन लिया, मुझे रिएक्शन लेने दे इस पर। जी, वो इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं कि 20 ग्राउंड और भी है, माहौल आज भी सेंसिटिव हो गया, आगे भी हो सकता है, तो उनमें से किसी एक और ग्राउंड का इंतखाब कर लें आप। मेरा से सिंपल सा एक कहना है कि क्या ये हुकूमत है जो फैसला कर रहे हैं कि क्या चीज सेंसिटिव है क्या नहीं है? क्या जिना ग्राउंड इनकी मिल्कियत है जो ये फैसला कर रहे हैं? मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि जिना ग्राउंड की लाइटें टूट जाएं तो कराची में आग लग जाएगी, और अगर दूसरे ग्राउंड जिसमें हम करने जाएंगे उसकी लाइटें टूट जाएं तो फिर कराची में आग नहीं लगेगी?
ये कैसी बात है? यहाँ मैं कहता हूँ कि जी हमने अथॉरिटीज़ को अप्लाई किया है कि हमें जलसे की इजाज़त दी जाए, इनको जो सेंसिटिविटीज़ का ख़तरा है वो ये अथॉरिटीज़ को जाएँ बताएँ, अपना केस रखें उनके सामने, लेट देम डिसाइड कि यहाँ जलसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये खुद कैसे फैसला करके बैठ गए कि जी यहाँ जलसा करेंगे तो कराची में आग लग जाएगी, लिहाजा हम इनको यहाँ जलसा नहीं करने देंगे, ये बाकी 20 ग्राउंड है कहीं और जाके करें। ये बात अगर मैं इनसे कहूँ कैसा लगेगा कि अल्ताफ हुसैन साहब अगर रात को तकरीर करना चाहते हैं जिना ग्राउंड में, मैं कहता हूँ जी यहाँ ना करें, बड़ी सेंसिटिविटीज़ हैं, यहाँ हमारे लोग रहते हैं, यहाँ पर आप करेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बाकी 20 ग्राउंड में कहीं कर लें। कोई सेंस आपको नज़र आता है मेरी ये बात करने का? इसी तरह मुझे भी कोई सेंस नहीं नज़र आ रहा कि अगर कंवर साहब अगर कल को तहरीक इंसाफ कहती है कि एनए 250 में हम जीते हैं, वहां हमारा ऑफिस है, वहां जलसा ना करें, या हमारा जहां पे पार्टी ऑफिस है पूरे मुल्क में वहां जलसा ना करें आप, तो फिर आपको कैसा लगेगा? देखिए मैं आपको बताऊं, कराची में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मरकजी ऑफिस हैं, जहां पर तहरीक इंसाफ का मरकजी ऑफिस है वहाँ पर भी, वहाँ से हमारे MNA और MP इलेक्टेड हैं। आज तक MQM ने कभी जाके तहरीक इंसाफ के ऑफिस के सामने जलसा नहीं किया, वहाँ पे परमिशन ली जा सकती है। हमने कभी जमा इस्लामी का जहाँ पे ऑफिस है उसके सामने जाके जलसा नहीं किया, वहाँ पे परमिशन ली जा सकती है। जहाँ पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग का ऑफिस है हमने जाकर जलसा नहीं किया, इसलिए कि अखलाकियात भी होते हैं, पॉलिटिक्स के एथिक्स भी होते हैं। आपको इलेक्शन लड़ना है, आप इलेक्शन लड़ें ना, आप उसके अंदर इतनी हीट क्यों पैदा कर रहे हैं कि जिसकी वजह से एक माहौल ख़राब हो? आप इलेक्शन लड़े, आपको किसी ने कहा, मैं हीट आप हर जगह जाए कि मुझे माहौल खराब करने की क्या जरूरत है? मैं क्यों क्यों ऐसी चीज करूंगा? नहीं कर रहा अगर आपको माहौल खराब नहीं करना होता तो आज आप यहाँ पर तशरीफ नहीं लेकर जाते ना। आप देखें मैं क्यों ना लाते, आप कह देंगे नो गो एरिया है, आपका आना मना है, आप कंवर साहब आप एक बार नहीं आता चले। आपने कंवर साहब ये फरमाया कि आप ये कह दें कि नो गो एरिया है, यहाँ पे जो MQM का अंदर नहीं है वो नहीं आ सकता, आप ये कह दें मैं नहीं आता। आपने खुद ये फरमाया कि मैं जिना ग्राउंड में जनाजों में शिरकत कर चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन आपको इस तरह 70-80 लोगों को, 100-125 लोगों को लेकर आकर वहाँ पे हंगामा राई का माहौल नहीं बनाना चाहिए था। और मैं था वहाँ पर, मैं कह रहा हूँ हंगामा राई नहीं की, नहीं किया हंगामा रही, अपना प्रोग्राम कोई खराब करता है। हर आदमी यही कहता है, लेकिन कोई भी जाके अपना प्रोग्राम खराब कर ये नहीं कहता है कि हाँ मैंने की है ना, कोई मैं कोई था मौजूद, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, आपका हक है, मैं कोई आपका आपका पॉलिटिकल राइट है। बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जाना है, इलेक्शन लड़े कंवर साहब, मुझे बिल्कुल प्रोग्राम वाइंड अप करना है। दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आप आगे, क्योंकि आज MQM की तरफ से भी कहा गया एक जाब्ता अखलाक बना लिया जाए कि आगे कैंपेनिंग किस तरह करनी है ताकि इलेक्शन एक अच्छे माहौल में हो। इस हवाले से मैं दोनों से पूछना चाहूंगा क्या किया जा सकता है, कि यह मुमकिन है इमरान इस्माइल साहब? बिल्कुल मुमकिन है जी, मैंने तो आज इन्होंने दावत दी थी कंवर साहब ने मुझे एक TV शो पे कि जाब्ता अखलाक तय कर लेते हैं, मैंने एक्सेप्ट किया था, मैंने कहा बैठ जाए चाहे मीडिया के सामने कर लें या करके मीडिया के सामने ले आए, जैसा चाहते हैं हम जाब्ता अखलाक तय करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम तो वैसे अखलाक वाले लोग हैं। अखलाक में जिना ग्राउंड पे जलसा करने वाली डिमांड से पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे? जिना ग्राउंड पे जलसा करने वाली डिमांड से पीछे हटेंगे? मैं किसी शर्त पे नहीं बैठूंगा, मैं किसी शर्त पे नहीं बैठूंगा, मैं जाब्ता अखलाक तय करने तय करें। ये कोई बात हुई कि आप किस डिमांड से पीछे हट जाएंगे तो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? जब बैठेंगे मुझे बताते हैं जाब्ता अखलाक तैयार करने के लिए कब बैठ रहे हैं आप PTI के साथ? देखें ये तो आपको अभी इमरान इस्माइल साहब ने बताया कि मैंने ही ये कहा था कि ये जल्द अपना एक जाब्ता अखलाक तय कर लें, और ये शरूफा इलेक्शन ऐसे ही लड़ते हैं कि जाब्ता अखलाक के साथ जमहूरी हक है। हम तो चाहते हैं कि ये चाहे कल ही बैठें कि भाई जो जाब्ता अखलाक है वो बनाया जाता है बिफोर इलेक्शन कमीशन या बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों जो है पार्टीज जाब्ता अखलाक बनाने के लिए तैयार हैं इस आने वाले इलेक्शन के लिए, बाय इलेक्शन के लिए। बेहतर है दोनों की पार्टीज में जो सीनियर लीडरशिप है साथ बैठ के कुछ माहौल ऐसा बना ले कि इस तरह के फुटेज, इस तरह के वाकयात फिर जो है हमें देखने को ना मिले। इस प्रोग्राम का फीडबैक सोशल मीडिया पर आप हमें दे सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।